Hey, what's up guys? Welcome back to my channel, नौकर मोटर ऑफिशियल। मेरा नाम है दर्शित कोठारी और मैं आप लोगों का फिर से बहुत ही बड़ा स्वागत करता हूँ मेरी चैनल पे। सो गाइस, तो हम लोग एक नया वीडियो लेके आ चुके हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो कि यहाँ पे की सेफ का मेरे पास पावर विंडो है, जो कि हम लोग मारुति सुजुकी इको BS6 मॉडल में लगाने वाले हैं। सो गाइस, तो आप सोचोगे कि ये की सेफ कौन सी नई ब्रांड है। सो गाइस, तो मैं आपको बता दूँ कि ये RD कंपनी की ही एक अदर मॉडल है। सो गाइस, तो ये भी बहुत ही बढ़िया सी ब्रांड है। RD कंपनी को तो आपने जान लिया है कि कैसी तरह वर्क करता है पूरी की पूरी सिस्टम, जो मेरे पास अभी मैं आपको अनबॉक्सिंग करके सभी चीज़ दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर से भी क्या क्या निकलता है। सो आपको पता ही है कि यहाँ पे सब टू डोर यानी कि एक राइट साइड और लेफ्ट साइड में स्विच लगती है, राइट साइड में दो स्विच लगती है और लेफ्ट साइड में एक ही स्विच लगती है, और ये है पैनल जिससे पावर विंडो ऑपरेट होता है। सो गाइस, तो मैंने आपको अनबॉक्सिंग करके सभी चीज़ दिखा दी है। जैसे कि गाइस आप लोग देख रहे हो कि ये बड़े से बॉक्स में क्या है। सो इसे ओपन करता हूँ मैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बड़े बॉक्स में क्या है। सो जल्दी फटाफट से दिल थाम के बैठ जाइए। सो ये ओपन हो चुका है और यस गाइस, ये है की सेफ की पावर विंडो मशीन जो ऑटो है, जो यहाँ पे 1 ईयर वारंटी कार्ड के साथ आता है। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैं आपको ये भी अनबॉक्सिंग करके सभी चीज़ दिखाऊँगा कि ये है मशीन। सो मैनुअल मशीन निकल जाती है और ऑटो मशीन लगती है, जिससे पावर विंडो पूरा का पूरा जो है इस पे आधारित है। सो आपको मैं इसको वर्किंग कैसी तरह, फिटिंग कैसी तरह करते हैं, वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। सो एंड तक आपको जुड़े रहना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना है कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। जैसे कि गाइस आप लोग देख रहे हो कि मेरे हाथ में जो ये मशीन है वो मैन्युअली मशीन है, और यहाँ पे जो ऑटो मशीन है वो ये महेश भाई जो है वो पावर विंडो के मास्टर कारीगर है, वो लगा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेरे हाथ में की एस यानी कि उसका लोगो भी, ब्रांडिंग भी बहुत ही बढ़िया से की सेफ का है। सो यहाँ पे राइट साइड और लेफ्ट साइड की पावर विंडो स्विच जो राइट साइड के अंदर लग जाती है, और ये है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में एक ही स्विच लगती है क्योंकि इंडिविजुअल सभी डोर यानी कि आगे के टू डोर में लगती है पावर विंडो स्विच। सो गाइस, तो यहाँ पे सब लग चुका है और यहाँ पे मैं आपको ऑपरेट करके भी दिखा रहा हूँ कि कैसी तरह ये पूरा का पूरा जो वर्क है वो कैसी तरह हो रहा है। सो यहाँ से ग्लास नीचे आता है और यहाँ से अप करते तो अप होता है। सो गाइस, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको, लाइव तो नहीं बोलते। सो गाइस, तो मैंने वीडियो शूट करके रखा था वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, और हाँ ये राइट साइड का है। सो कैसी बहुत ही बढ़िया सही तरीके से ये ग्लास अप डाउन हो रहा है, जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो कि कैसी तरह ये पूरा का पूरा जो पावर विंडो है वो कैसी तरह वर्क होता है। और हाँ गाइस, मैं दूसरी चीज़ दिखा दूँ कि यहाँ से लॉक करते हुए सो ऑटोमेटिक ग्लास अप हो जाते हैं, और देखो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ऑटोमेटिक ग्लास अप हो रहा है। सो गाइस, तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी कर सकते हो, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि कार एसेसरीज के रिलेटेड ऐसी नई नई अपडेट्स मैं यानी कि दर्शित कोठारी यानी कि नौकर मोटर ऑफिशियल ही जो गुजरात वडोदरा सिटी में अवेलेबल है। सो गाइस, तो सब्सक्राइब जरूर से करना चैनल पर नए हो तो, और नई नई अपडेट्स लेते रहना। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हाँ गाइस, कुछ भी काम हो, कुछ भी क्वेरी हो तो कॉल ज़रूर करना, और बी सेफ गाइज, तो अपना ध्यान रखना। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग मी।